हाय दोस्तों, ये वीडियो हमारे हिंदी जानने वाले भाइयों के लिए है। भाई मैं ऑलरेडी तेलुगु में वीडियो बना चुका हूँ, मगर तेलुगु लैंग्वेज सबको नहीं आती। मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो ये वीडियो हिंदी फार्मर्स है जिनको तेलुगु नहीं आती है। दोस्तों, तो आज हम फिश फीड के बारे में बात कर लेंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ना फिश बाहर से ख़रीदते हैं, 90 रुपीज़ KG, 100 रुपीज़ KG मरल के फीड के लिए। दोस्तों, तो हम इस वीडियो में मरल का फीड नेचर से हम फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों आप लोगों को। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फीड माफिया और सीड माफिया को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है दोस्तों इस वीडियो से, उनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो नेगेटिव कमेंट्स भी एक्सपेक्टेड है, तो आप हमेशा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिन जिन फार्मर तक ये वीडियो पहुँचते रहें और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और एंड यूज़र को भी उनका मछली का दाम कम हो, सारे भाई खा सकें, हमारे मिडिल क्लास वाले, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास वाले भी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा उद्देश्य यही है, मैं आपसे फ़ीस नहीं मांगता हूँ, कोई ट्रेनिंग की फ़ीस नहीं लेता हूँ। यही इन्फॉर्मेशन आपको बाहर 10,000-20,000 में देते हैं दोस्तों ट्रेनिंग के रूप में, मैं आपको फ्री में देता हूँ। और उसके बदले में मैं यही आशा करता हूँ कि आप सारे मेरे भाइयों बहनों को जो भी फार्मर्स है, मरल फार्मिंग करना चाहते हैं, स्नेक हेड फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो आप भी शेयर करें दूसरों को, और आप उनको बोलें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेगेटिव कमेंट्स को भी आप ही रिप्लाई दें। जो फीड माफिया और सीड माफिया आएंगे कमेंट्स में आएंगे, तो उनको आप ही रिप्लाई दें। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आप मरल के लिए नॉर्मली जो फार्मर्स है, मरल फार्मर्स, स्नेकेड फार्मर्स मार्केट से फीड लेते हैं दोस्तों 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, 120-150 KG में। तो बोलते हैं कि उनको जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो वो बोलते हैं कि फीड कन्वर्शन रेट रेशो 1.5 KG के लिए 1 KG आएगा। तो ऐसा बोल के ना वो लोग फीड बेचते हैं, फीड माफिया जो भी दलाल रहते हैं ना, ब्रोकर्स, तो वहाँ जाके आपको प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा हो जाता है। एंड ऑफ द ईयर मछली अगर मर भी जाती है, अगर 1000 मछली आप ला रहे हैं, मरल का सीड ला रहे हैं, उसमें आपको 100 बच्चा बच जाता है अगर आपके नसीब अच्छे हो तो। अगर वो 100 बच्चा 1 किलो का होता है तो आपको 1 क्विंटल प्रोडक्शन आएगा, 1 क्विंटल का आप 300 KG लगाएंगे, पर केजी 300 लगाएंगे। अगर मार्केट है आपके एरिया में 300 की मछली खाने वाले, तो उसका कास्ट आएगा आपको 30,000 दोस्तों। तो 30,000 में आपको फीड का खर्चा निकालना पड़ेगा, आपका टाइम निकालना पड़ेगा, आपका पॉन्ड कल्चर का कॉस्ट निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सब मिला के आपको समझो कि 150 का फीड हो गया, दवाई का भी 10 रुपीज़ हो गया, और पांड का खर्चा समझो कि एक मछली के लिए आप 10-20 समझो कि 50 रुपीज़ लगा दी, 200 रुपये खर्चा हो गया। ठीक है, 100 रुपीज़ आपको सेविंग हो जाएगा दोस्तों। अगर वर्स्ट केस में आपका मछली कोई भी नहीं लेता है तो तब क्या होगा, तो 200 में ला के आप 200 में तो नहीं बेचेंगे। अगर समझो कि आपका पूरा मछली भी मर गया तो आपको तो लॉस ही होगा दोस्तों, आपने इतना स्पेंड किया और फीड पे सीड पे। तो ये सिनारियो को हम ओवर करने के लिए फ्री फीड हम नेचुरल से कैसे ले सकते हैं, यही मेरा उद्देश्य है कि आपको फ्री फीड जो मरल मछली खाती है, स्नेकहेड मछली खाती है, वो फ्री फीड की जानकारी सारे मेरे इंडिया के भाइयों बहनों तक पहुँच सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए चले शुरू करते हैं। आपके आसपास के फिश मार्केट में जाइए दोस्तों, आपको फ्री फीड के लिए बोल रहा हूँ मैं, फीड की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहला नंबर पे है फिश, मरल खाती है फिश, ठीक है दोस्तों, स्नेकहेड खाती है नेचुरली पाली हुई फिश, तालाबों में, नदियों में मरल के आमने सामने जो घूमती है वही चीज़ मरल खाती है दोस्तों। पहला है वो फिश, मरल खाएगी अपने से छोटी मछली को। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रख लें, जो भी टैंक में फार्मिंग करना चाहता है उसको फिश नहीं मिलती तो उसका ग्रोथ भी नहीं होता, वो उतनी एक्टिव भी नहीं रहती और उसकी मोर्टालिटी भी बढ़ जाती है। जब मछली एक्टिव नहीं रहती तो उसकी मोर्टालिटी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रख लें। तो मोर्टालिटी को ओवरकम करने के लिए आपको फ़िश खिलाना पड़ेगा, आप पिलेट्स डालेंगे उसमें उसको कुछ नहीं मिलेगा। मरल शिकार करके खाती है, मछली के पीछे पड़ जाती है, मेंढक के पीछे पड़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आप नेचुरली ये सब नहीं दे सकते हैं, तो आप लेका के खिला सकते हैं मरी हुई मछली को।
तो उसमें फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट टॉपिक है मरी हुई मछली का फ्री फीड। एक है आपके नज़दीकी मार्केट में जाइए, फिश मार्केट में अगर आप 2 किलो का मछली लिए, उसको साफ करवाइए आपने, तो उसमें वेस्टेज निकलता है दोस्तों। 2 किलो में से 1/2 kg वेस्टेज निकलता है, वो 1/2 किलो में से आपको फिश का हेड भी निकल जाता है, फिश का दुम भी निकल जाता है, आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। उसको ना ला के आपको पेस्ट कराना है, ठीक है। पेस्ट करने की मशीन मिल जाती है, मीट शॉप में जाइए आप, मटन शॉप में या चिकन शॉप में या बीफ जो खाती है मुस्लिम भाई उनके शॉप में जाइए, वहाँ पे कीमा बनाने की मशीन रहती है दोस्तों, वो मैक्सिमम 1000-2000 में आ जाती है आपको। अगर आपकी मछली बहुत छोटी है, 1 इंच है 2 इंच है, ठीक है, वो पीसेस नहीं खाना चाहती हेड की और दुम की फिश, जो वेस्टेज की टुकड़े करके आप अगर वो नहीं खिलाना चाहते आप, तो इसको पेस्ट बना के, जैसे आप देख पा रहे हैं ऐसे पेस्ट बना के उसको एक बाउल में रख के, अगर आप टैंक में कर रहे हैं फार्मिंग तो उसको एक बाउल में रख के पानी में रख दीजिए। आपकी मछली छोटी होगी तो खा लेगी मज़े से, ठीक है दोस्तों। पॉन्ड टिम्बर हो गया, अगर आपका पॉन्ड में कल्चर हो रहा है नेचुरल पॉन्ड में तो तब भी आप यही कर सकते हैं, छोटा बच्चा है तो उसको ऐसे ही फेंक देंगे पेस्ट तो वो पूरा पानी में घुल जाएगा दोस्तों। उसको एक बाउल में रखिएगा थोड़ा घट बना के, ठीक है, आपकी मछली आएगी खा लेगी। अगर उसका साइज़ अगर ज़्यादा है, 100 ग्राम्स है, 80 ग्राम्स है, 50 ग्राम्स है, तो आप छोटे छोटे 1-1 इंच के जो फिश के हेड्स रहते हैं ना दोस्तों, उसको आप 1-1 इंच के छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं। अगर तब आपकी मछली नहीं खा रही है तो तब भी आप पेस्ट बना के खिला सकते हैं। अगर बड़ी मछली है तो खाएगी खाएगी, ठीक है दोस्तों, वो 200 ग्राम्स की मछली है तो वो फिश के हेड को खाएगी खाएगी। और उसका मुंह कितना है, उसका मुंह का साइज़ कितना है मछली का मुंह, उस लिहाज से आपको फीड को डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। अगर बड़ा 1 kg का मछली लिया आपने, उसमें हेड जाएगा 100 ग्राम्स तो हेड ही रहेगा दोस्तों, वो 100 ग्राम्स का हेड 1/2 किलो की मछली नहीं खा पाएगी, तो उसको आप 4 पीसेस में करना पड़ेगा। जो फिश वेस्टेज मिलता है आपको, उसको 4 पीसेस में करके उस 1/2 किलो की मरल को खिलाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आपको वाटर पोल्यूशन का चांसेस बहुत सारा कम होगा अगर आप बाउल में रख के खिलाते हैं तो, ठीक है दोस्तों। यही पद्धति आपको इंडोनेशिया मलेशिया में अपनाते हैं, वियतनाम में बाउल्स में रख के, प्लेट्स में रख के पानी में देते हैं, वो पानी का वेस्टेज नहीं होगा और पानी भी पोल्यूट नहीं होगा दोस्तों। तो ये वीडियो देखने के बाद फीड माफिया सीड माफिया को झटका लगेगा दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इसको लाइक करें शेयर करें, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, ठीक है दोस्तों। फीड माफिया से वो लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे ताकि उनका फीड बिक सके, तो यही होता है। वो लोग क्या करते हैं, राइस ब्रांड लेते हैं, जो चावल का कोंडा रहता है दोस्तों उसमें ना ये फिश का जो अभी फिश वेस्टेज जो बताया ना मैं, वो फिश वेस्टेज मिला के उसको पिलेट के रूप में कन्वर्ट करके आपको बेच देते हैं 100 रुपीज़ में, 120 रुपीज़ में दोस्तों। तो उसमें नेचुरल फिश नहीं रहता आपको, वो बोलते हैं कि प्रोटीन फूड है, प्रोटीन फूड नहीं होता, उसमें सोयाबीन रहता है, सोयाबीन का वेस्टेज, तो सोयाबीन का वेस्टेज नॉन वेज खाने वाली मरल मछली नेकेड मछली नहीं खाएगी दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ऐसा फिश वेस्टेज ले लेके ना उसमें मिलाते हैं ताकि फिश को स्मेल ला सके, उस स्मेल के साथ वो जो राइस ब्रैन रहता है वो और सोयाबीन का वेस्टेज रहता है, मिल मेकर बोलते हैं जिसको, सोयाबीन का पानी निकालने के बाद में, लिक्विड निकालने के बाद जो बचता है वेस्टेज, वो वेस्टेज को ये लोग पिलेट्स बना के देते हैं। तो आपको ऐसा काम करने का ज़रूरत नहीं है, आपके फ़िश मार्केट जाइए, सस्ते में आपको फ़िश वेस्टेज, सस्ते माने आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जो फ़िश कटिंग करने वाला रहता है उसके बाद बहुत सारा फ़िश वेस्टेज आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारा फ़िश वेस्टेज रहता है, वो ला लीजिए, आपकी फ़िश जो साइज़ में है उस प्रकार आपको फीडिंग देना पड़ेगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। पानी अगर पोल्यूट हो रहा है तो आपको ऐसे बॉल में रख के पानी में रख देना होगा, आप ऐसे ही छिनक नहीं सकते, जो लिक्विड रूप में रहता है, जो पेस्ट रूप में रहता है फिश, वो पानी में डाल देंगे तो घुल जाएगा, तो आपको पेस्ट को ना बहुत घट जैसा लड्डू रहता है ना, लड्डू के शेप में बना के आपको एक बाउल में रख के, छोटी मछली हो तो एक बाउल में रख के देना पड़ेगा दोस्तों, अगर बड़ी मछली हो तो 3-4 पीसेस करके आप एक बाउल में रख के दे सकते हैं, इससे आपका पानी पोल्यूट होने का चांसेस ज़ीरो हो जाएगा। आप खरीब में देते हैं, अगर आप छिनक दे देंगे, आप पेस्ट को पूरा डालेंगे तो वाटर पोल्यूट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लें, आप देख पा रहे होंगे मशीन में फिश वेस्टेज को कैसे वो लोग पेस्ट बना के
छोटे छोटे बच्चों को खिलाएंगे, ऐसे पेस्ट बनाते हैं दोस्तों। आपको 1000-2000 में मशीन मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको मछली बड़ी होती है तो आपको मशीन की ज़रूरत भी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल रही होगी मेरे वीडियो से दोस्तों। टाइम लगता है वीडियो बनाने में, मैं दूसरे भी काम कर लेता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, भैया ये सजेशन चाहिए, ये कहकर मैं कैसे फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों मैं धीरे धीरे करके कमेंट्स के लिए रिप्लाई करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे से लेट हो रहा है तो। मैक्सिमम मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ आपके सारे सवालों की, ठीक है दोस्तों। अब तब तक आप बने रहे दोस्तों और सब्सक्राइब करें। सीड माफिया आपको भटकाएंगे, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको प्रोडक्शन कास्ट बढ़ाना नहीं है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियोस में ना आपको ओन सीड कैसे जनरेट करते हैं आपके घर पे ही, मिनिमम 500-600 में आपको फीड कैसे, सीड की बात कर रहा हूँ, मछली का बच्चा, मरल का बछला कैसे तैयार करते हैं घर पे, वो भी बता दूंगा 500-600 में, ठीक है दोस्तों। ये सारी बातें हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो भाई भी पहले से नहीं देखा है वीडियो, तो आप जाके 1, 2, 3 जो लेसन वाइज रखा है मैंने, वो सारे वीडियोस देखें। ये वीडियो पर्टिकुलरली मरल के फीड के बारे में है दोस्तों, वो भी फ्री फीड है दोस्तों, इसमें आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नियरेस्ट मार्केट में जाइए, फिश वेस्टेज रहता है जो ताज़ा उसको लाइए, और उसको हो सके तो नमक का पानी जो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है दोस्तों, नमक के पानी में धोकर ना फिश को खिलाइएगा दोस्तों। जैसा छोटा रहता है तो छोटे के लिए भी मैंने बताया कैसे खिलाना है, अगर बड़ा रहता है वो भी बताया, और उससे भी बड़ा रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे भाई लोग हमारे जेन्युइन फार्मर्स नंबर पूछ रहे हैं दोस्तों, नंबर मैं दूंगा तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आएंगे फीड माफिया से दोस्तों। और मैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास दूसरे भी काम रहते हैं दोस्तों, तो मैं 100% आप लोगों को दे नहीं सकता हूँ। जब भी मैं फ्री टाइम मिलता है तभी मैं आपको रिप्लाई करता हूँ दोस्तों। आने वाले दिनों में मैं अगर आशा करता हूँ कि मैं कोई कुछ ट्रेनिंग सेंटर खोल दूँ, जब तक आपको फ्री में डे बाई डे हर दिन आपको फीडबैक मिलता रहे, आपको सजेशन मिलता रहे, कोई फ्री कस्टमर केयर जैसा खोल दूँ, मैं कॉल बैक सपोर्ट खोल दूँ, ठीक है दोस्तों। उसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत है दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहें मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, ठीक है दोस्तों। आने वाले दोस्तों मैं आपको डेली ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड किए करने की कोशिश करता हूँ एंड यूज़र को, जेन्युइन मरल फार्मर को सारी जानकारी एक ही दिन मिल पाए। अगर मेरे पास टाइम मिलता तो मैं आप लोगों को वीकेंड में एटलीस्ट ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट ऑनलाइन में आप लोगों को मैं कोर्स मरल का स्टार्टिंग टू एंडिंग स्टेज लाइफ साइकिल पूरा कैसे एक फार्मर कर सकता है फ्री में, ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट में, लो प्रोडक्शन में। एटलीस्ट 50 रुपीज़ पर केजी प्रोडक्शन की लाने की सोच रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें। जो भी इस वीडियो को मिस कर रहे हैं दोस्तों, मेरी आशा ये है कि सारे भाइयों को ये मैसेज जाए, फ्री फीड कैसे तैयार करते हैं। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को फ्री में कोर्स दे रहा हूँ, और फ्री में मरल का फीड कैसे तैयार करना वो भी बोल रहा हूँ। तो मैं भी यही आशा करता हूँ आने वाले भाइयों को, आप भी फ्री में मैसेज शेयर करेंगे दोस्तों। तब तक बने रहिएगा दोस्तों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।